जनपद मुजफ्फरनगर में आज हुई कदम पर्यावरण संरक्षण की ओर मुहिम में जनपद को हरा भरा और ग्रीन सिटी बनाने के उद्देश्य से जनपद में जगह जगह सामाजिक संस्था द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज आदर्श सेवा समिति द्वारा सर्वट रोड डिवाइडर पर 31 पौधे लगाए गए और एक कदम पर्यावरण संरक्षण की ओर मुहिम को आगे बढ़ाया गया। मुख्य अतिथि ADM वित्त आलोक कुमार और सरदार बलजीत सिंह, स्वच्छ भारत के मिशन DPM उपस्थित रहे। मौलाना तारक जाहिद बल्ला सर्वट मदरसा के कुशल निर्देशन में वरिष्ठ समाज सेवी संदीप दास और शिवम शर्मा, तरन्नुम DMC यूनिसेफ रिफाकत यूनिसेफ से मौजूद रहे। आदर्श सेवा समिति के अध्यक्ष आरिफ प्रधान, मोइनुद्दीन चांद उपाध्यक्ष, सलमान सचिव, इरफान फुरखान, डॉक्टर आशु मुजम्मिल, हाजी सोनू, शावेज अब्दुल रहमान आदि सभी ने मिलकर पौधे लगाए हैं। संवाददाता पवन अग्रवाल की रिपोर्ट। आज मदीना चौक पे एक कदम पर्यावरण संरक्षण की ओर जो मुहिम चल रही है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में ADM साहब आलोक जी पहुँचे थे, ADM वित्त साहब, और हमारे सदर साहब थे सरवड़ के, और सभी ने मिलके यहाँ पे वृक्षारोपण किया है। खास करके SS दास ट्रस्ट के जो हैं पदाधिकारी हैं, SS दास के संदीप दास जी और सर्व सेवा समिति के सभी पदाधिकारियों के द्वारा यहाँ पे वृक्षारोपण डिवाइडर पे किया गया है। ये मुहिम लगातार जारी है, कल एक मदरसे में किया गया था और आने वाले समय में भी ऐसे ऐसे करते रहेंगे। इसकी देख रेख के आसपास जितने दुकान वाले हैं उन्होंने जिम्मेदारी ली है कि जो पौधे आपने लगाए हैं सर उसको हम डेली पानी देंगे और पाल के बड़े करेंगे। तो आप क्या देखने आएंगे इसका? हाँ बिल्कुल देखने आएंगे, हम आते रहते हैं, अक्सर आते रहते हैं, पूरा शहर अपना है तो आते जाते हैं, मैं देखता रहता हूँ जहाँ जहाँ पौधे लगे हैं, हर जगह पर सर्वे चलता रहता है कि कहीं भी कोई पौधा नष्ट ना हो, खराब ना हो और उसमें पानी दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है।